हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? होप अच्छा कर रहे होगे। जैसा मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर डिज़ाइन इंजीनियर के पोजीशंस के बारे में बताऊंगा, वैसे तो मैं सिविल इंजीनियरिंग की जितनी प्रोफाइल हैं सबके बारे में बताने वाला हूँ डीप में, कि किस प्रोफाइल में क्या पढ़ना चाहिए जिससे आपका कोर्स हो सके अच्छे तरीके से आप इंटरव्यू क्रैक कर सकें। लेकिन अभी जो जिसमें मैं एक्सपर्ट हूँ वो है डिज़ाइन, जिसमें स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर दोनों डिज़ाइन आती है। सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में स्ट्रक्चर नहीं, आर्किटेक्चर डिज़ाइन इंजीनियर कैसे बनेंगे। कुछ दोस्त होते हैं जिनको स्ट्रक्चर डिज़ाइन का थोड़ा सा कम नॉलेज होता है, तो उन्हें पता होना चाहिए कि अगर स्ट्रक्चर हमें नहीं पसंद है, मीन्स सोम नहीं पसंद है, मैनुअल डिज़ाइन नहीं पसंद है, तो कोई बात नहीं दोस्त, उसको छोड़ दीजिए। आप आ जाइए रेविट की ओर, ऑटोकैड रेविट और स्केचअप को खूब अच्छा करिए और इसको अच्छे से पढ़िए। ऑटोकैड रेविट स्केचअप इनको खूब अच्छे से पढ़िए और पढ़ के इतना स्ट्रांग बनाइए ये कि इसी से आपका पूरा का पूरा मॉडल कवर हो सके, आप अच्छे तरीके से इंटरव्यू को क्रैक कर सके। अब बोलोगे सर इससे कैसे हो पाएगा, क्योंकि बहुत से लोग सोम पढ़ के जाते हैं स्ट्रक्चर इंजीनियर बन के, बहुत से लोग डी मैनुअल डिजाइन पढ़ के जाते हैं। हाँ, लेकिन आपके पास ऑप्शन है। आप क्या करो, आप एक पोर्टफोलियो बनाओ दोस्तों। आप बोलोगे पोर्टफोलियो कैसे बनता है, पोर्टफोलियो एक पीडीएफ बनाओ, जिस पीडीएफ में आप पहले तो ऑटोकैड सीखोगे, तो ऑटोकैड कम से कम 10 प्लान और उसके साथ 10 सेक्शन और एलिवेशन बनाओ, उनको एक साथ कलेक्ट करो। उसके साथ ही हम लोग बनाएंगे रेविट में, रेविट में कम से कम 5 मॉडल को अच्छे तरीके से बनाओ, एक्सटीरियर व्यू और इंटीरियर व्यू 5-5, और उसके बाद स्केचअप पे भी सेम करो और वीरे से रेंडर करो स्केचअप की फाइल को। आपके पास लगभग 30 फाइल्स आ जाएंगी, 30 फाइल्स को एक साथ इमेज को एक साथ राइट क्लिक करके प्रिंट के ऑप्शन पे लेके जाओगे तो आपको पीडीएफ कन्वर्ट हो जाएगा और पीडीएफ में कन्वर्ट होकर आपका एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बन जाएगा। अगर आपको पोर्टफोलियो बनाना नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप मॉडल बनाओ, मैं एक वीडियो बना दूंगा उस पर कि किस तरीके से पोर्टफोलियो अच्छा सा बना सकते हैं। आप बस नीचे कमेंट करना कि सर मुझे पोर्टफोलियो बनाना और आर्किटेक्चर डिज़ाइन इंजीनियर बनना है, ठीक है। आप बोलोगे सर क्या यही 3 सॉफ्टवेयर इनफ है इसके लिए? नहीं यार, यही 3 सॉफ्टवेयर तो इनफ नहीं है, क्योंकि आप डिज़ाइन इंजीनियर बनने आ रहे हो, 25-30 हज़ार सैलरी लोगे आप, तो उसके लिए दूसरा ऑप्शन क्या आपके पास है? इतना करने के बाद आप BIM बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लीजिए। BIM के बारे में अगर थोड़ा सा अध्ययन, उसमें क्या थोड़ा सा अध्ययन, आप थोड़ा सा वास्तु के बारे में जान लीजिए, क्योंकि आप प्लानिंग भी करोगे तो वास्तुशास्त्र के बारे में थोड़ा सा जानिए। अगर उसके लिए भी आपको वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट करो। देखिए कमेंट आप करते रहोगे तो मुझे थोड़ा सा लगेगा नहीं इस टॉपिक पर बनाना, मुझे गाइड मिलता रहता है, अभी आपने ये पूछा था इसलिए मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ। तो आप BIM आप उससे साथ वास्तु के साथ आप प्लानिंग के लिए स्टैंडर्ड IS कोड है IS 1200 के अंदर रूम का स्टैंडर्ड साइज, क्लासरूम का स्टैंडर्ड साइज, सेमिनार का स्टैंडर्ड साइज, आप सब कुछ इंटरनेट पर अवेलेबल, आप डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करके उनको पढ़ लीजिए। इसके बाद दूसरा क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा, लाइक आप आर्किटेक्चर डिज़ाइन इंजीनियर के लिए, वो रहेगा कि 3D तो हमें पता है, 2D हमें पता है, सेक्शन एलिवेशन हमें आपको पता है कि आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हो तो उसके लिए वीडियो हमने डाला हुआ है कई ढेर सारे, आप पढ़ लो। तो अब इनके बाद आता है 4D। अब बोलोगे सर 4D क्या होता है? तो दोस्त 4D में हम लोग टाइम के साथ एनिमेट करके वीडियो को बनाते हैं और उसको हम लोग करके दिखाते हैं। अगर आपको जानना है 2D 3D 4D 5D 6D 7D सबके बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन लेनी है एक एक करके कि कौन सा सॉफ्टवेयर उसके लिए यूज करें, तो आप उसके लिए भी कमेंट करो, लेकिन शेयर करो यार, शेयर करोगे तो व्यूज़ आएंगे, तब मैं जाके उसको बनाऊंगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा मुझे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, वीडियोस के लिए मुझे बताने पड़ेंगे कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। वैसे मैं उसको कोई बड़ी बात नहीं है उसको, लेकिन आप जब शेयर करते हो, लाइक करते हो और क्वेश्चन पूछते हो तो मज़ा आता है। तो आर्किटेक्चर डिज़ाइन इंजीनियर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? BIM बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, आर्किटेक्चर और रेविट सॉफ्टवेयर अच्छे से पढ़ना। रेविट में आर्किटेक्चर पार्ट पढ़ लो बहुत है, और अगर स्ट्रक्चर पढ़ लोगे तो वेल एंड गुड, बट आर्किटेक्चर पार्ट भी इनफ है। इसके साथ स्केचअप को अच्छे से पढ़ो, गूगल स्केचअप को अच्छे से पढ़ो और ऑटोकैड को अच्छे से पढ़ो, आपका सिलेक्शन पक्का है आर्किटेक्चर डिजाइन इंजीनियर बनने के लिए। और प्लानिंग आपको अच्छे से आनी चाहिए, साथ ही साथ वास्तुशास्त्र आपको अच्छे से आना चाहिए, वास्तु के थ्रू कैसे प्लान करेंगे, 3D मॉडल करेंगे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इतना अगर आपने सीख लिया तो आप समझिए कि आप आर्किटेक्चर डिजाइन इंजीनियर या डिज़ाइन इंजीनियर बन जाएंगे। इसके साथ आप और कौन सी प्रोफाइल के बारे में जानना चाहते हो, कि कौन से प्रोफाइल में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए नीचे कमेंट करो और मुझे बताओ। और कोई सजेशन हो, जैसे आवाज़ के लिए मैं काम कर रहा हूँ क्योंकि सजेशन आया हुआ है, और भी कोई सजेशन है आपके पास तो मुझे बताओ और नीचे कमेंट करो, तो उस सजेशन के बारे में भी हम लोग बात करेंगे और एक एक करके डिस्कस करेंगे। अब एक एक करके ही रिमूव होता है, अभी मैं आपको मटेरियल दे सकता हूँ जो सॉलिड मटेरियल है, थोड़ा स्टूडियो वगैरह का मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ, स्टूडियो वगैरह भी बन जाएंगे और आप और अच्छे से कंटेंट डिलीवर करूँगा, गेट लेवल का भी ES लेवल का भी कंटेंट आप तक जरूर लेके आऊँगा। अभी के लिए इतना ही, और आप इसको अगर अच्छा लाइक करोगे और शेयर करोगे तो मुझे अच्छे से अंदर लगेगा और मुझे ढेर सारा
और वीडियो बनाऊंगा और कंटेंट, किसी और प्रोफाइल के बारे में कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो और डेफिनेटली मैं उनके बारे में भी आंसर करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस गाइस।